क्रिस्त में मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आज हम हमारे क्लास के और हमारे किताब के सबसे आखिरी अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले क्या मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ सकती हूँ कि हमने पिछले क्लास में किसके बारे में सीखा था? हमने पिछले क्लास में नबियों के बारे में सीखा था। नबियों को ईश्वर ने क्यों भेजा था? ताकि वे इसराइली जनता को ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए उनका मदद करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। इसीलिए उन्हें ईश्वर ने इसराइलियों के बीच भेजा था। आइए आज हम अपने इस अध्याय को शुरू करने के पहले अपने आप को ईश्वर के हाथों सौंप दें, ताकि ईश्वर की आशीष पाकर हम यह अध्याय शुरू करेंगे। इसलिए आइए हम सब अपने हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, हम आपके प्यारे बच्चे आपके सम्मुख उपस्थित हैं। हमें आशीष दीजिए, कृपा दीजिए, वरदानों से हमें भर दीजिए। हमारे मन को आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमारे मन को आलोकित कीजिए, ताकि आज के इस क्लास में जो कुछ हम सीखेंगे उसको भली भांति समझकर अपने जीवन में अपना सकेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक नया अध्याय या तो अपनी किताब का सबसे आखिरी अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। अपने अध्याय का नाम क्या है? मुक्तिदाता के बारे में प्रतिज्ञाएं और उसके बारे में भविष्यवाणी। हम देखते हैं कि मुक्तिदाता, जो हमारा मुक्तिदाता है, उसके आने के पहले क्या क्या ईश्वर ने अपनी जनता से प्रतिज्ञाएं की थी और नबियों ने क्या भविष्यवाणी किए थे। हम देखते हैं कि इसराइलियों के बीच में कौन काम कर रहा है? नबियों ने। इस प्रकार से नबी इसराइली जनता के बीच में करीब 1000 वर्ष अपना कार्यभार करते रहे। कितने वर्ष? 1000 वर्ष। उन्हें ईश्वर ने ही नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? ईश्वर ने ही उन्हें नियुक्त किया था। और ये नबी इसराइली जनता को ईश्वर के ऊपर अटल विश्वास रखने के लिए उन्हें हमेशा याद दिलाते थे, क्योंकि वही एक सच्चा ईश्वर था। उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर और इसराइली जनता के बीच जो विधान स्थापित हुआ था, उसके आधार पर ही इसराइली जनता अपना जीवन बिताते रहे। इतना ही नहीं, नबियों ने राजाओं को भी नेक रास्ते पर चलने के लिए या तो ले जाने का प्रयास करते रहे। जब इसराइली जनता ईश्वर को, सच्चे ईश्वर को छोड़कर दूर भटक जाती थी, तो नबियों ने क्या किया करते थे? उन्हें कड़ी चेतावनी देते थे। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसराइलियों को नबियों ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जो ईश्वर के और उसके नियम को भूलकर अपना जीवन व्यतीत करेगा, उसे ईश्वर क्या करेंगे? दंडित करेंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर उन्हें दंडित तो करेंगे, लेकिन कभी भी इसराइली जनता को पूर्ण रूप से नहीं छोड़ेंगे। इसराइली राजाओं ने क्या किया? नबियों का तिरस्कार कर शासन कर रहे थे। इसका फलस्वरूप क्या होता है कि विदेशी आकर उनके राज्य पर अधीन कर देते हैं, और वहां पर क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता है, देश में अशांति फैल जाती है और जनता मुक्ति के लिए तरसती रहती है। यह सब देखकर कौन आता है वहां पर? नबी आते हैं। वो कैसे आते हैं? नबी एक आशा का संदेश लेकर। वो आशा का संदेश क्या है? मुक्तिदाता
मसीह के बारे में उन्हें अवगत कराने के लिए उनके बीच आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मसीह शब्द का अर्थ है अभिषिक्त। क्या है? अभिषिक्त। आगे हम देखते हैं कि मुक्तिदाता के बारे में प्रतिज्ञाएं, क्या क्या प्रतिज्ञाएं की गई हैं। हम अपने बाइबल के सबसे पहले ग्रंथ उत्पत्ति में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? दुनिया के सृष्टि के बारे में हम पढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बता सकते हैं कि हमारे आदि माता पिता कौन थे? हाँ, हमारे आदि माता पिता आदम और हवा थे, है ना? तो हम देखते हैं कि जब आदि माता पिता नाश की ओर निकले, तब ईश्वर ने उन्हें एक मुक्तिदाता का प्रतिज्ञा किया था। किसका प्रतिज्ञा किया था? मुक्तिदाता को देने का प्रतिज्ञा किया था। ईश्वर ने सर्प से, जो सभी बुराइयों का प्रतीक है, उसे कहा, मैं तेरे और स्त्री, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच क्या करूंगा? शत्रुता उत्पन्न करूंगा, शत्रुता पैदा करूंगा। आप जानते हैं कि हमारे सबसे या तो आदि माता को किसने पाप के जाल में फंसाया था? सर्प। इसीलिए ईश्वर सर्प से कहता है कि सर्प ही सभी बुराइयों का प्रतीक है, सभी बुराइयों का जड़ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मसीह ही ने सर्प का सिर कुचलकर मार डालता है। इस प्रकार से जो आदन वाटिका से जो प्रतिज्ञा गूंज उठी थी, उसे ही ईश्वर ने अपने नबियों के द्वारा दोबारा दोहरा रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि नबी एक वचन देता है। क्या वचन देता है? कि तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता के रूप में नबी आएगा। वो किसके बारे में कह रहे हैं? एक ईसा मसीह के बारे में वहां पर अवगत कराते हैं। और इस प्रकार से इसके बारे में हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 18 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। ईश्वर कहता है कि मैं उनके ही भाइयों में से उनके लिए तुम जैसा एक नबी उत्पन्न करूंगा। मैं अपने शब्द उनके मुख में रखूंगा और उसे जो जो आदेश दूंगा वह तुम्हें वही बताएगा। इस प्रतिज्ञा से क्या होता है? इसराइली जनता में एक आशा उत्पन्न होती है। और ईश्वर द्वारा ये जो आशाएं इसराइली जनता को दी गई हैं, वही आशाएं नबियों ने समय समय पर इसराइली जनता को अवगत कराते रहते हैं। आगे हम देखते हैं मुक्तिदाता के बारे में भविष्यवाणी। इसमें हम नबियों के बारे में भी सीखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नबी इसायस इसके बारे में क्या भविष्यवाणी करते हैं। उन्होंने अपने भविष्यवाणी में यही कहा कि एक मुक्तिदाता उत्पन्न होगा। क्या होगा? एक मुक्तिदाता आएगा, एक मुक्तिदाता का उत्पन्न होगा। नबी इसायस का भविष्यवाणी इम्मानुएल भविष्यवाणी के नाम से जाना जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें नबी इसायस कहते हैं कि एक कुमारी गर्भवती होगी और वह पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम क्या रहेगा? इम्मानुएल रहेगा। और वह भविष्य में क्या बनेगा? राजा बनेगा। और यह ना केवल इसराइलियों के लिए बल्कि दुनिया के सभी लोगों के लिए आशा दिलाता रहेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहां पर नबी इसायास एक मुक्तिदाता के बारे में इसराइली जनता को भविष्यवाणी देते हैं। हम आगे देखते हैं कि यह सब क्यों हुआ। इसके बारे में हम इसायस के किताब से अध्याय 9 पद संख्या 5 और 6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है। उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा।
वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा, सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं इम्मानुएल भविष्यवाणी में बालक के बारे में, मुक्तिदाता बालक के बारे में एक असाधारण विशेषताएं भी वहां बताते हैं। कहा जाता है तो माना गया है कि ईसा के जन्म से ही वह वाणी पूर्ति होती है। मेरे प्यारे बच्चों, इम्मानुएल शब्द का अर्थ क्या है? इम्मानुएल शब्द का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। और हम देखते हैं कि ईसा के जन्म के साथ ही ईश्वर मनुष्यों के बीच अपना वास बनाता है। आगे हम देखते हैं नबी यिर्मयाह का भविष्यवाणी। नबी यिर्मयाह क्या भविष्यवाणी करते हैं, इस मुक्तिदाता के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि जब ईश्वर आएगा या तो मुक्तिदाता आएगा तो वहां पर क्या होगा, जो प्रतिज्ञा उन्हें दी गई है वो संपन्न होगा, वो पूरा होगा और इसराइल और यहूदा के लिए एक धर्मी वंशज उत्पन्न करेगा और देश में न्यायपूर्वक शासन होगा, यरूशलेम का संरक्षण होगा और यहूदा का उद्धार होगा। इस प्रकार से वे वहां पर कई सारे आशाएं उनको देते हैं। कई अन्य नबियों ने भी इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा है। इसमें हम विशेष रूप से देखते हैं कि नबी नाथान और यिर्मयाह कहते हैं कि दाऊद का वंश और ईसा के बीच में एक संबंध है। इसी प्रकार से नबी मीका भी कहते हैं कि ईसा युगों से विद्यमान है। फिर हम देखते हैं कि जकरिया कहते हैं, नबी जकरिया कहते हैं कि ईसा शांति का राजा है। और आखिरी में हम देखते हैं कि नबी एसेकियल कहते हैं ईसा आने वाला एक भला गडेरिया है। कुछ समझ में आ रहा है हम किसके बारे में सीख रहे हैं? मुक्तिदाता के बारे में। अब तक हम पुराने विधान के आधार पर ईश्वर के बारे में हम सीख रहे थे, मुक्तिदाता के प्रतिज्ञाओं और भविष्यवाणी के बारे में हम सीख रहे थे। आगे हम देखते हैं योहन का साक्ष्य, नए नियम में जो योहन है उसका साक्ष्य क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, योहन आखिरी नबी है जो हम देखते हैं, अब जिसके बारे में हम नए नियम में देखते हैं। योहन क्यों आया था? योहन मार्ग तैयार करने के लिए, मुक्तिदाता के लिए मार्ग तैयार करने के लिए वो आता है। वह यहूदिया के मरुभूमि में पुकार पुकार कर लोगों को उपदेश देकर कहता है कि तुम अपना मन परिवर्तन करो और मुक्तिदाता को स्वीकारने के लिए तुम अपने आप को तैयार करो। योहन नबी यिर्मयाह का वही वाणी दोहराता है और कहता है प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके रास्ते सीधे करो, उबड़ खाबड़ जमीन समतल करो और पहाड़ पहाड़ी को भी समतल करो, क्योंकि कौन आने वाला है? मुक्तिदाता आने वाला है। इन सब बातों से योहन लोगों को सचेत करता है, उनको अवगत कराता है। योहन एक नबी था और वो क्या करता था, वो लोगों को पापों से पश्चाताप करने का आह्वान करता था। यह सब देखकर लोग क्या सोचते हैं कि यही है मसीह, क्योंकि वे किसके इंतजार में बैठे हैं? एक मुक्तिदाता मसीह के इंतजार में बैठे हैं। योहन लोगों को पश्चाताप कर बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आह्वान करता था। और इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत से लोग योहन के पास आकर क्या करते थे, बपतिस्मा ग्रहण करने लगे। यह देखकर लोग सोचने लगे कि योहन ही कौन है, मसीह है। क्यों वे ऐसा सोचने लगे? क्योंकि वे मुक्तिदाता के इंतजार में बैठे थे, इसीलिए वो सोचने लगे कि योहन ही कौन है, मसीह है। लेकिन
योहन उनसे कहता है, मैं मसीह नहीं हूँ। इसलिए यरूशलेम से आए हुए पुरोहितों का संदेह दूर करते हुए योहन उनसे कहते हैं, मैं मसीह नहीं हूँ, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हारे बीच में है, जिसे तुम नहीं पहचानते हो, मैं तो उसके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि योहन अपने आप को ईश्वर से छोटा, यानी कि ईसा मसीह से छोटा समझते हैं, छोटा बनाते हैं, और यही बताना चाहते हैं कि ईसा मसीह ही हमारा ईश्वर है और वो हम सबसे बड़ा है, उससे हम कभी बड़ा नहीं हो सकते हैं। वो अपनी विनम्रता बताते हैं। योहन कहता है कि उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। दूसरे दिन योहन ईसा मसीह को अपनी ओर आते देखकर कहता है, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है, वह यही है जिसके विषय में मैं तुम्हें बता रहा था। इस प्रकार से कहकर लोगों का दृश्य किसकी ओर आकर्षित करता है? ईसा मसीह, जो योहन से बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आ रहे थे। हम आगे देखते हैं कि कई सदियों से नबियों ने ईसा का जन्म के लिए तैयारी कर रहे थे और योहन ईसा के आगमन के पहले का ही एक नबी था, जो अपना दौत्य ईश्वर के या तो मुक्तिदाता के आने का मार्ग तैयार करने में पूरा करता है। जब ईसा मसीह इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो क्या होता है? जो प्रतिज्ञाएं, जो भविष्यवाणी उसके बारे में किया हुआ रहता है, वह संपन्न होता है, वह पूरा होता है। आगे हम देखते हैं कि योहन अपना दौत्य कैसे समाप्त करता है। वह कहता है कि ईसा, जो ईश्वर का मेमना है, संसार का पाप हरने के लिए वो क्या करता है? अपने आप को बलि चढ़ाता है। कहाँ पर बलि चढ़ाता है? क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो भविष्यवाणी ईसा मसीह के बारे में, मुक्तिदाता के बारे में जो भविष्यवाणी किया हुआ रहता है, वह मनुष्यों के बीच में संपन्न होता है और इसराइली जनता और मनुष्य सब इसके बारे में सुनते और जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम देखेंगे भविष्यवाणियों की पूर्ति। ईसा मसीह में ही सभी भविष्यवाणी क्या होता है? पूर्ण होता है। ईसा मसीह में ही उन सब का संपन्न होता है। पुराने विधान की जनता ईसा के इंतजार में थी, है ना? हमने पहले देख चुका है कि इसराइली जनता किसके इंतजार में थे? मुक्तिदाता के इंतजार में थे। और उनका इतिहास कहाँ पर समाप्त होता है? ईसा मसीह के जन्म के समय ही, या तो उसके साथ वह संपन्न होता है, समाप्त होता है। और वहाँ पर क्या होता है कि नई जनता, आज की कलीसिया, उसका क्या होता है? आरंभ होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि पुराने विधान की जनता आशा के साथ किसका इंतजार कर रही थी? मुक्तिदाता का इंतजार कर रही थी और उसका राज्य और शांति का इंतजार कर रही थी। लेकिन वह सौभाग्य पुराने जनता को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उसका सौभाग्य या तो उसका अनुभव करने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ? नई जनता को। मूसा द्वारा पुराने विधान के जनता को, या तो इसराइली जनता को मिस्र देश के गुलामी से निकालने का हम सदृश्य या तो दृश्य देखते हैं, उसी प्रकार ईसा ने अंधकार के चंगुल से मनुष्य वंश को छुड़ाकर कहां ले जाता है? वह स्वर्ग राज्य की ओर लेने का वो कोशिश करता है, या तो नए इसराइली जनता का वह निर्माण करता है। इस प्रकार से आदन वाटिका में जिस भविष्यवाणी या तो जो मुक्ति योजना का प्रारंभ हुआ था, वो कहाँ पर संपन्न होता है? ईसा मसीह में संपन्न होता है।
ईश्वर की मुक्ति योजना के फल का हम अनुभव कैसे करेंगे? ईसा ने सलीब द्वारा क्या दिया? मुक्ति दिलाई। और हमें कैसे उसे स्वीकार करना चाहिए? हमें उसे धन्यवाद के साथ, खुशी के साथ अपनाना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। हम ईश्वर के संतान है ना? आप मानते हैं, विश्वास करते हैं कि हम ईश्वर के संतान हैं? हाँ, हम सब किसके संतान हैं? ईश्वर के संतान हैं। और ईश्वर के संतान की स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए हमें क्या है? अपना जीवन आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना मतलब कहाँ? स्वर्ग की ओर हमें आगे बढ़ना है, जहाँ पर हमारे लिए एक शाश्वत अनंत जीवन है। वहाँ जाने के लिए हमें ईश्वर से जुड़े रहना है और ईश्वर के नियम के आधार पर हमको जीवन बिताना है। तो आइए हम सब इस अध्याय से यही सीख ले और यही निर्णय ले कि हमारे जीवन में, हमारे आने वाले जीवन में ईश्वर के नियम को पालन करते हुए हम जीवन बिताएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारे किताब में जो काम दिया है, जो एक्सरसाइज दिए हैं, उसे हम पूरा करेंगे। आपके किताब में पेज नंबर 103 में एक प्रार्थना दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है कि जिस प्रकार आपने भविष्यवाणी की पूर्ति की है, उसी प्रकार हमें भी मुक्तिदाता को अपना बनाकर जीवन बिताने की शक्ति या तो कृपा हमें दीजिए। फिर आपके किताब में एक गाना दिया हुआ है। आपको गाना गाना पसंद है ना? तो आइए हम उस गीत को गाते हैं। तारणहारा यीशु आया, तारण करने वह आया, प्रभु परमेश्वर जग में आया, प्रभाकर जो मसीह आया, साथ हमारे है वह रहता, इम्मानुवेल है मानव का, है बना साक्षी जनयुग का, दे दिया प्रसाद परमेश्वर का, सच में राजा है वह, लेकिन स्वर्गीय राज भू पर लाने, जग में अपना खून बहाया, जीवन देने जीवन चढ़ाया, नबी जन को कथित वाणी ईश्वर सत में पूर्ण हुई है, हम यह जानते प्रभु ईश्वर की तारण पद्धति नर जीवन की। मेरे प्यारे बच्चों, यह गाना आपको अच्छा लगा? हाँ, वेरी गुड। फिर आगे हम देखते हैं उसी पेज पर, पेज नंबर 103 में, वहां पर एक वचन दिया हुआ है। उसे भी आप पढ़कर उसका वर्णन कीजिएगा और उससे जो संदेश आपको मिलता है उसे अपनाइएगा और दूसरों को भी बांटने का कोशिश कीजिएगा। आगे हम देखते हैं हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में एक वचन लेंगे। वो वचन कहाँ से हम लेंगे? संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 30 को। ठीक है, आपके किताब में पेज नंबर 104 में एक होमवर्क दिया हुआ है। वो क्या करना है कि आपको क्रिसमस कार्ड तैयार करना है। तो आप घर पर सुंदर सा क्रिसमस कार्ड तैयार करके अगले क्लास के लिए आप यहाँ पर लेकर आइएगा। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं हमें क्या करना है। एक संकल्प लेना है। ये संकल्प हम क्या करना है, इसमें जैसे कि योहन बपतिस्मा ईसा को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, वैसे मैं भी अपने जीवन में ईसा के बारे में अपने मित्रों को या तो लोगों को सुनाऊंगा या तो सुनाऊंगी। ठीक है, ये आप सब करेंगे ना? बिल्कुल करना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, मसीह शब्द का अर्थ क्या है? आपके किताब पर पेज नंबर 99 पर इसका उत्तर दिया हुआ है। मसीह शब्द का अर्थ क्या है? अभिषिक्त। क्या है? अभिषिक्त। ठीक है, आगे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसिया के भविष्यवाणियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? इसके बारे में भी हमने देखा है। इसिया के भविष्यवाणियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है?
इम्मानुएल भविष्यवाणी है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। आगे है तीसरा प्रश्न, इम्मानुएल भविष्यवाणी कब पूरी हो गई? इसका उत्तर भी पेज नंबर 100 पर दिया हुआ है। ईसा मसीह के जन्म के साथ यह भविष्यवाणी पूरी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, आखिरी नबी योहन बपतिस्ता किसके लिए भेजा गया? आखिरी नबी कौन था? योहन। वह किसके लिए भेजा गया था? वह ईश्वर का या तो ईसा मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, हम देखते हैं अगला या तो आखिरी प्रश्न, अपनी ओर आए ईसा को दिखाते हुए योहन बपतिस्ता ने क्या कहा? आपके किताब में पेज नंबर 102 पर इसका उत्तर दिया हुआ है। वहाँ पर योहन बपतिस्ता कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सभी प्रश्नों का उत्तर भी हल हो गया। तो आइए हम क्लास के आखिरी में ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए हम ईश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए आशीष मांगे और पाए हुए वरदानों के लिए धन्यवाद दें। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें आपके बारे में सीखने व जानने के लिए अवसर दिया है। जो शिक्षा हमने ग्रहण किया है उसे अपने जीवन में अपनाने व उसके आधार पर हमें चलने का मार्गदर्शन कर, हमें कृपा प्रदान कर, ताकि हम जो शिक्षा हमने पाई, आपके बारे में जो संदेश हमें मिला है उसे हम दूसरों को भी बांट सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु।